हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का पिज्जा। सूजी का पिज्जा बनाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, बहुत इंस्टेंट आप इसे बना के खा सकते हैं। इसे बनाने की प्रोसेस जैसे हम उत्तपम बनाते हैं सेम उसकी तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप सूजी यानी कि रवा, आधा कप दही, एक छोटा चम्मच हम पिज्जा स्पाइस लेंगे, आप इसकी जगह पे ओरिगैनो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लेंगे टॉपिंग के लिए। जितना आप मिर्ची खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप चिली फ्लेक्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है रेडीमेड सेजवान की चटनी, आप इसकी जगह पे पिज्जा सॉस या टमाटो सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर चाहिए, आधी छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा, एक छोटा चम्मच नमक, मैंने यहाँ पे लिया है हरी शिमला मिर्च आधी, इस तरह से काट लेना है, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, बारीक टुकड़ों में कटा हुआ आधा टमाटर, इसे हम घोल के अंदर डालेंगे, और टॉपिंग के लिए मीडियम साइज में टमाटर आधा काट लिया है, आधा प्याज मीडियम साइज में इस तरह से काटना है टॉपिंग के लिए, और घोल के अंदर डालने के लिए बारीक टुकड़ों में कटा हुआ आधा प्याज, दो चीज के क्यूब्स चाहिए, आप यहाँ पे मोजरेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल के अंदर दही और नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे, थोड़ा सा पिज्जा मिक्स डाल देंगे। ये डालने की वजह से सूजी के बेस के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला है, इसे भी मिला लेंगे। आधा कप पानी डालेंगे। ये पूरा घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप दही और आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक टुकड़ों में कटा हुआ प्याज और टमाटर। जैसे हम उत्तपा बनाते सेम उसी तरह से ये घोल तैयार कर लेना है। ये पूरा आधा कप पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। प्याज और टमाटर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे घोल बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट तक साइड में रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, इसे थोड़ा सा मिला लेंगे सबसे पहले। इसे मिलाने के बाद इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा। हमेशा याद रहे बेकिंग सोडा हमें सूजी का घोल 10 मिनट साइड में रखने के बाद ही डालना है, पहले डाल के नहीं रखना है। यहाँ पे अपना घोल बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम सूजी का पिज्जा कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके उसके ऊपर एक तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तवा गर्म होने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बटर, आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर मेल्ट होने के बाद अब हम बटर के ऊपर 2 बड़े चम्मच इस सूजी का घोल डाल देंगे जो हमने अभी बना के रखा था। इस तरह से डालना है, थोड़ा सा फैला देंगे। जैसा हम उत्तपा पकाते से उसी तरह से इसे पकाना है। इसके ऊपर अब हम टॉपिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हरी शिमला मिर्च डाल दी है, आप चाहे तो पीली और लाल कलर की भी शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। कटे हुए टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, और कटी हुई प्याज। आप इसके ऊपर ऑलिव्स और मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिंग के लिए। इसके ऊपर लीड लगा के अब हम इसे 5-6 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर लीड लगाने के बाद इसे मैंने 6 मिनट तक पका लिया है लो फ्लेम पे। अब हम इसे दूसरी साइड से सेक लेंगे। तो इसे इस तरह से पलटाने के बाद इसे भी हम लो फ्लेम पे सेकने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कांटे का चम्मच लेंगे और इस तरह से इसके अंदर होल्स कर देंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर बटर लगाने वाले हैं। ऐसा करने से सूजी का बेस अच्छी तरह से पकता है, अंदर तक इसका कच्चापना नहीं रहता है, इसलिए हमेशा इस तरह से होल करने के बाद इसके ऊपर बटर लगा लेंगे थोड़ा सा। इसके ऊपर होल्स करने की वजह से
ये जो हमने इसके ऊपर बटर लगाया है वो भी अंदर तक जाता है और इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करते हुए इसे भी हम 6 मिनट तक पका लेंगे। इसके ऊपर मैंने लीड नहीं लगाई है, बिना लीड लगाए इसे पका लिया है। इसे पलटा देंगे। यहाँ पे दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक चुका है और जो हमने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और स्वीट कॉर्न डाला है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। इसके ऊपर लगाएंगे हम सेजवान की चटनी। सेजवान की चटनी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। आप इसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस लगा के खा सकते हैं। पिज्ज़ा सॉस घर में कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। सेजवान की चटनी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। मैंने 2 चीज़ क्यूब का इस्तेमाल किया है। आप मोजरेला चीज़ भी इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। चीज को आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा ही डाला है। इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स को आप खाते समय भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे पकाते समय डाला है। थोड़ा सा पिज्जा मिक्स। चिली फ्लेक्स, पिज्जा मिक्स और चीज डालने के बाद इसके ऊपर लीड लगा देंगे और इसे लो फ्लेम पे चीज मेल्ट होने तक पका लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे सूजी का पिज्जा बनके रेडी हो चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूजी का पिज्जा बहुत ही अच्छा फूला है। अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे ताकि इसे हम आसानी से काट सके। अब हम इसे पिज्जा कटर से 4 टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं। सूजी का पिज्जा मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा फूल के रेडी है। नीचे से क्रिस्पी लगता है खाने में और अंदर से सॉफ्ट है। इसके अंदर हमने थोड़ी सी कटी हुई प्याज और टमाटर डाले हैं, उसकी वजह से खाने में और भी टेस्टी लगता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा पक के रेडी है नीचे के साइड से भी। तो आपने देखा, सूजी का पिज्जा बनाना बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको पिज्जा खाने की इच्छा रहे तब आप इसे इंस्टेंट बना के खा सकते हैं। अगर आपको ये सूजी का पिज्जा रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और भी आने वाले अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।